हेलो, मैं संगीता सिंह। आज मैं आपको स्थानीकरण लब्धि और स्थानीकरण गुणांक के बारे में बताऊंगी। लोकलाइजेशन कोशेंट एंड कोइफिशियंट ऑफ लोकलाइजेशन, एलक्यू का परिकलन, जनपद है दुर्ग, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, महासमुंद। इस कॉलम में शहरी जनसंख्या है। इसमें हम शहरी प्रतिशत निकालते हैं। इस कॉलम में कुल जनसंख्या ग्रामीण और शहरी दोनों, और इसमें हम एलक्यू निकालते हैं। अब जो है हम शहरी जनसंख्या में कुल जनसंख्या का भाग देंगे, फिर हम 100 से गुणा कर देते हैं। शहरी जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100। शहरी जनसंख्या में कुल जनसंख्या का हम भाग देंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, तो ये शहरी प्रतिशत आ जाएगा। इसी तरह से हम सभी जिलों का शहरी प्रतिशत निकालते हैं। फिर अब इसको हम लेंगे, फिर इसमें हम इसका भाग देंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये प्रतिशत फिर आएगा। इसी तरह से हम राज्य का प्रतिशत निकालते हैं। शहरी जनसंख्या में उस राज्य की कुल जनसंख्या से भाग दे करके 100 से हम गुणा कर देंगे, तो ये जो है प्रतिशत हमारा ये आएगा। फिर अब हमको एलक्यू निकालना होता है, तो ये सूत्र है एलक्यू बराबर शहरी जनसंख्या प्रतिशत बटे राज्य की शहरी जनसंख्या प्रतिशत। तो अब इसी प्रतिशत को हम लेंगे, 38.41 में हम 23.24 को भाग दे देंगे, जैसे हमने यहाँ किया है। डिस्ट्रिक्ट प्रतिशत बटे स्टेट प्रतिशत एलक्यू के लिए। इसी तरह से हम सबका निकालेंगे, और जो एलक्यू आएगा हम यहाँ क्रमवाइज रखते चले जाएंगे। एलक्यू का मान 1 से अधिक हो तो शकेंद्रण, और 1 से कम होने पर प्रकीर्णन होगा। स्थानीयकरण गुणांक का परिकलन, ये वही जनपद है। अब इस कॉलम में हम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निकालते हैं। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बराबर शहरी जनसंख्या बटे राज्य की शहरी जनसंख्या गुणे 100। तो ये शहरी जनसंख्या हम लेंगे, फिर इसमें उस राज्य की शहरी जनसंख्या से भाग दे करके फिर 100 से हम गुणा कर देंगे, तो ये जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आएगा। मैं एक बार और बता रही हूं, शहरी जनसंख्या का, यहाँ हम शहरी जनसंख्या लेंगे और फिर उस राज्य की शहरी जनसंख्या से हम भाग दे करके 100 से गुणा कर देंगे, तो ये शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आएगा। फिर अब जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो कुल जनसंख्या का प्रतिशत निकालना होता है। तो इसमें हम अब कुल जनसंख्या को इसको लेंगे, कुल जनसंख्या में हम उस राज्य के कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। जैसे यहां हमने लिखा है कुल जनसंख्या निकालने के लिए, कुल जनसंख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम जनपद की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल जनसंख्या गुणे 100। फिर
फिर कुल जनसंख्या को हम उस डिस्ट्रिक्ट के कुल जनसंख्या को लेंगे और राज्य के कुल जनसंख्या से भाग देंगे और 100 से हम गुणा कर देंगे, तो ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत आएगा। सबको हम अलग अलग निकाल लेंगे। फिर जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो अंतर का होता है। अब हम ये है सूत्र, स्थानीयकरण गुणांक बराबर सिग्मा कॉलम वन माइनस कॉलम टू अपन 100। तो ये जो है इस कॉलम में हम इस कॉलम को घटा देते हैं, इसमें से हम इसको घटा देंगे, जो आएगा अब हम यहाँ पर जो प्लस में होगा उसको हम प्लस में रखेंगे, जो माइनस में आएगा उसको हम माइनस में रखेंगे, फिर प्लस को हम अलग जोड़ते हैं यहाँ, जैसे हमने इसको जोड़ दिया है अलग, फिर माइनस को हम अलग जोड़ते हैं, फिर जो संख्या अधिक होता है यहां उसमें से कम संख्या को हम घटा देते हैं। यहां जो संख्या अधिक होगा उसमें हम कम संख्या को घटा देते हैं, जैसे हमने यहां पर 21.42 है, इसमें से हम 8 माइनस जो है 8.51 को घटा दिया है यहाँ, और जो बड़ी संख्या होती है, अब यहाँ बड़ा जो है 21 है, तो इसका चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे, जो आंसर आएगा इसमें हम इसका चिन्ह लगाते हैं, यहाँ हम घटाते हैं, लेकिन जो चिन्ह बड़ी संख्या का होता है हम उसी का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब इसमें हम यहां 100 से भाग देंगे, 100 से हमने इसमें भाग दे दिया, अब भाग देने के बाद ये आया प्लस, क्योंकि ये धनात्मक है तो प्लस 0.129 आंसर आया। अब जो है हम इसके निकट संख्या को लिख देते हैं, तो यहां हमने लिख दिया प्लस 0.13। स्थानीयकरण गुणांक का मान धनात्मक या ऋणात्मक होता है, धनात्मक होने पर संकेंद्रण और ऋणात्मक होने पर परकीर्णन होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।